आप सभी को मेरा प्यार भरा पहला आशा करती हूँ आप लोग ठीक होंगे और मैं भी एकदम बढ़िया हूँ। और ब्लॉग की स्टार्टिंग मेरी हो रही है 12 बजे से स्टार्ट। तो फिलहाल मैंने अभी ना कपड़े धोए ढेर सारे, तो मैं छत पे भी डाल के आ गई हूँ। तो अब मैं जाती हूँ किचन में और खाना बनाने की तैयारी करती हूँ, क्योंकि 12 भी बज चुके हैं। और बनाने के लिए आई हूँ और मैंने ना भात भी चढ़ा दिया। और आज मैं ना भट की चुड़कानी बना रही, जो मैंने कभी बनाया नहीं, ना मैके में बनाया ना ससुराल में। तो आज मैं बनाने जा रही हूँ भट की चुड़कानी। और मेरे किचन में ना इतनी मोटी सी छिपकली आई है, जिससे मैं बहुत ज़्यादा डरती हूँ। अभी आप लोग को छिपकली दिखाती हूँ। यहाँ पर देखिए, यहाँ पर ये छिपकली है, तब से यहीं पर मैंने इसको भगाने की इतनी कोशिश करी, जान नहीं लिए। और मुझे ना छिपकली से बहुत ज़्यादा डर लगता है, कि यहाँ चिपकी हुई है, पता नहीं कहाँ से आ गई। हमारा किचन तो बंद ही रहता है। मैंने मम्मी को देखा था कि भट की चुड़कानी कैसे बनाते हैं, तो आज मैं उन्हीं की तरह देखते हैं। तो हो सकता है थोड़ा सा अच्छा ना बने, फिर भी कोशिश करूँगी टेस्टी बने भट की चुड़कानी, जो मैं पहली बार ही बना रही हूँ इसलिए। तो अब फिलहाल रेडी कर लेती हूँ जो जो उसमें डालना है मुझे, टमाटर प्याज वगैरह कट कर लेती हूँ। और भट को मतलब बताया है कि इस तरीके से बनाना, तो फिर आज मैं उसी तरीके से मैं भट की चुड़कानी को बनाती भी हूँ। कोशिश करूँगी उनके जैसे ही टेस्टी बना, क्योंकि मेरी मम्मी ना बहुत ज़्यादा टेस्टी बनाती है भट की चुड़कानी। अभी फिलहाल मैंने ना तेल गर्म करने के लिए डाल दिया। अब मैं ना इसमें भट डाल दूँगी भूनने के लिए, ताकि भट ना अच्छे से भून जाएंगे। तेल भी गर्म हो गया है, भट को डाल देती हूँ। ताकि भट ना जले ना, इसलिए जल्दी जल्दी भून के डाल देंगे, जल जाते हैं ना। ये मैंने यहाँ पर ना भट पे भून के निकाल लिया थाली में, और ये प्याज और मिर्च को भी काट के रख दिया है, और टमाटर आटे को भी रखा है साइड में। आटे को भी भून के डालूंगी इसमें, ताकि ना व्यवस्था गाढ़ा से बन जाए छुई। तो फिर तेल अभी दोबारा से मैं गर्म कर दी, और अभी मैं डालूंगी प्याज। पहले जीरा डालूंगी, उसके बाद में प्याज डालूंगी। जीरा डाल देती हूँ, बनाते समय यहाँ पे धुआं सा हो जाता है, इसलिए खिड़की खोलने बढ़ जाती है चौका मारते समय। प्याज भी डाल दें, अच्छे से प्याज को मैं भून लेती पहले। भून दिया अच्छे से, अब इसके बाद में टमाटर को डाल, ताकि टमाटर भी ना अच्छे से भून जाएगा। उसके बाद फिर मैं क्या करूँगी वो आपको, ताकि टमाटर भी ना अच्छे से मैं भून लूँ। अभी अच्छे से पक गया इसमें, अब मैं थोड़ा सा ना आटा डाल देती हूँ, ताकि थोड़ा सा आटा डाल दिया, उसको भी ना अच्छे से भून लेती हूँ। चलिए अच्छे से भून जाएगा, उसके बाद में इस पर थोड़ा सा पानी डालूंगी। आटा भी भून चुका है, मैं थोड़ा सा ना मसाला डाल देती हूँ इसके ऊपर। हल्दी डाला मैंने, उसके बाद मैंने डाला सब्जी मसाला, धनिया पाउडर, नमक, अब मैं डाल देती हूँ इसमें भट जो मैंने भुने थे। भट डाल दिए, भट की चुड़कानी बना दी है। अब इसको ना थोड़ी देर पकने दूंगी अच्छे से,
उसके बाद रेडी हो जाएगी। सलाद भी मैंने अभी कट करके रख दिया है, जब तक ये भट की चुरकानी पकती है तब तक मैं ना छत से कपड़े लेके आ जाती हूँ। गाइस धूप इतनी तेज हो रही है, बहुत तेज लग रही है धूप, छत में जैसी आई है ऐसा लग रहा है कि कहाँ जो आगे, इतनी ज़्यादा धूप हो रही है। छत पे अभी फिलहाल मैंने कपड़े डाले हैं, साड़ी वगैरह धोई थी नहीं, और कल हम गए थे मतलब जेठानी जी के मायके, तो मम्मी लोगों ने ना खाने पे बुलाया था तो पूरी फैमिली गई थी, तो मैंने साड़ी पहनी तो मैंने कहा चलो आज हो गई थी तो मैंने कहा आज धो लेती हूँ, कपड़े भी धोए थे मैंने काफ़ी, मैं अभी फिलहाल जल्दी से उठा लेती क्योंकि धूप बहुत तेज़ लग रही है। सुबह तो मौसम सही था, अभी जैसे ही मतलब 12 बजे के बाद धूप बहुत ज़्यादा तेज़ हो रही है, फटाक से पहले मैं कपड़े उठाती हूँ। मैं कपड़े भी ले आई हूँ छत से और खाना भी बन गया, तो अब हम खाना खाते हैं और आप सबको खाना खाने के बाद। इतने सारे हैं बर्तन, इनको मैं जल्दी से धोती हूँ पहले। किचन भी और गैस वगैरह सब मैंने साफ कर दिया, तो किचन के ना मैंने कपड़े धोए थे तो मैंने कहा चलो अब धूप पे जाके मैं डाल देती हूँ इसको किचन के कपड़ा। वो गाइस धूप ना बहुत तेज हो गई है फिलहाल, मतलब इतनी तेज होने की चुभने लग गई है धूप भी, बाहर आओ ना पसीना पसीना फेस में होने लग जाता है। अब मैं रूम में जाती हूँ और थोड़ी देर आराम कर लेती हूँ।